अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी कहते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम सेटअप पे आ चुके हैं। तो दोस्तों जो हमारे पहले वाले खरगोश थे ना, और जो हम कल नए खरगोश लेके आए ना, उन्हें भी आदत डाल दिया सात रोटियां खाने की। अभी हमने डाली अपने कबूतरों के, हम तो बस सात ऐसे खरगोश खाने लग गए हैं। चलो यार तुम तो जाओ, उन्हें तो खाने दो। और बाकी हमारे पिजन केज का भी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। बाले आ गए, बस पखर रह गए जो हमने ऊपर डालनी है। बाकी तो आप देखते हैं माशाल्लाह काफी ज़्यादा प्यारा लग रही है। बाकी आज हम सफाई कर रहे थे ना, क्योंकि कल हमारे पिजन केज का काम हो रहा था, तो हमने अपनी मुर्गियों को दाना वगैरह नहीं डाला, तो अब हम इसे दाना दे देते हैं। हम अपने दाने को ना अंदर रखते हैं, बाहर हमारी मुर्गियाँ ये दाना वगैरह दया कर देती हैं, तो हम ना अपने अंदर बाल्टी के अंदर डाल के रखते हैं कि हमारी मुर्गी दया ना करें। तो यहाँ से अब एक गोली ले लेते हैं, इसके अंदर पहले भी बाजरा है, इतना काफी है। आप हम जाके ना अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। ये लैला मजनू ना हर वक्त शोर करती रहती है, पता नहीं क्यों। अब इधर बाजरा डाल देते हैं हम ना, ये देखिए। बाकी अब मैं ना ये तो ऐसा करो, लैला मजनू को भी बाकी इनको भी पानी डाल दो। हाँ इन्हें पानी दे दो तो मुझे। बाकी हमारी इना मीना डेकर भी खाना वगैरह खाने आ गई है। जब तुम दूसरे जाओ लैला मजनू, चलो चलो। हम ना अपनी तोतिया को नाम रख देते हैं। तो हाँ श्रोत, मैंने ना इसका नाम सोचा हुआ है, इसका नाम हम गुलाबू रख देते हैं, जो कि बड़े प्यारा लगेगा। गुलाबू जब इसे बुलाएंगे तो हम अपनी तोती का नाम ना गुलाबो रखते हैं। तुम्हें कैसा लगा गुलाबो नाम? बहुत अच्छा नाम लग रहा है गुलाबो। हाँ तो गुलाबो का इसका नाम हम गुलाबो रख लेते हैं। हाँ तो अब इन्हें से नाम इसे गुलाबो ही पुकारा करेंगे। क्यों गुलाबो, क्या क्या तो करो अब। लगता है गुलाबो को ना अपना नाम अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अपने नाम के बारे। तो अभी ये ना अभी तक डाल रही है, यहाँ से सोटी भी लगाई हुई है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बैठती। ये देखो मैंने बैठा लिया हाथ पे, देखो। चिरो उसको लगता है जो हमारी ये वाले फाखते हैं ना इस कलर के, ये हैं टेम है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर टेम होते तो ये तेरी बात मानते, लेकिन ज़्यादा देर रह लेते। बात ये बस अब ये आज़ाद हो जाता है ना, पहले बस इतनी कुछ बैठते थे। गुलाबो डाल रही है, हम बाहर चल जाते हैं, ऐसे करते हैं। गुलाबो नाम से डाल रही है क्योंकि हम उसके बहुत करीब आ रहे हैं, तो इसलिए फाखते भी हमारे पैर के नीचे फाखते कह रहा हूँ, बटेरे हैं, उन्हें भी अंदर रख दो शिरोज। और ये देखें ये बाहर आ गए हैं, इनके ना पर बड़े हो गए, अब ये बाहर आना शुरू हो चुके हैं, ये देखें, क्योंकि मुर्गी अंदर आ गई हुई है इस वजह से। और ये रैबिट्स बहुत तंग करते हैं ना। हाँ कुछ ना रैबिट जो है ना, ये इनके खाने में आ जाते हैं, जब इनका खाने का टाइम होता है अंदर आ जाते हैं, फिर इसलिए ना ये बाहर आ जाते हैं, फिर खाते ही नहीं है। ये देखें पर भी बड़े हो गए ना इनके, इसलिए बाहर आना शुरू हो चुके हैं। तो हमारा ना ये वाला जोड़ा भी लग चुका है, स्लेटी और ये वाला। तो हम ना जब अपना वो पिजन केज मुकम्मल होते हैं ना, तो उसी के साथ ना हम इन्हें उसके अंदर क्रेट लगा के दे देंगे, ताकि उसमें अपने अंडे वगैरह दे दें। हाँ मैं भूल गया था, सॉरी बाजरा देना तुमने दे दिया। सॉरी तो यहाँ से उठाओ, ये देखो पता नहीं इन्होंने गिराई है यहाँ पे। जैसे ही बाजरा डाला रैबिट्स आ गए अंदर, कुछ वो लगे हुए हैं बाहर बैठे हुए उनके साथ, वो डिका के साथ है, दो और एक ही है इनके ना ये, बल्कि इनकी बहुत अच्छी बात है, लड़ते नहीं आपस में, सारे मिल बांट के खाते हैं। हाँ क्योंकि हमारे जो खरगोश है ना, ये जो अब नए भी आए हैं दो, तो उनों के साथ भी बिल्कुल नहीं लड़े ना एक दूसरे को मारा, लेकिन ना पहले हमारे खरगोश ने ना मुझे लगता है, यानी कि उसे जख्म तो हुआ था, तो वो खरगोश किधर गया हमारा, उसने लगता है कि हमारे खरगोश को मारा था, या हो सकता है बिल्ली ने अटैक किया हो। तो ये देखेंगे वाला खरगोश था जिसे मारा था ना, वो इधर ही घूम रहा है, लेकिन अब उसका जख्म ठीक हो चुका है वैसे तो। अब ये देखिए बाजा कितने शौक से खा रहे हैं। ये हमारे ना पौधे मुरझा रहे हैं, इन सबसे पहले पानी दे देते हैं, ये देखो। तुम ऐसा करो उस बाल्टी में पानी डाल के ले आओ। पूरी डेरे इनके सूखी बड़ी हुई मिट्टी में पानी डाल देते हैं। तुम ऐसा करो और पानी लेके आओ। इसे भी पानी दे दिया, इसे भी दे देता हूं। एक मिनट रुको, तुम इसे पकड़ो, इसे पकड़ाओ मेरा। तो
तो दोस्तों हमारे सेटअप पे ना एक नया मेहमान आने वाला है जो कि डेंजरस है, जिसके लिए ना हमने अपने घर वालों को ना काफ़ी मुश्किल से मनवाया है। तो अब हमारे सेटअप पे ना वो जल्दी आ जाएगा, इसे तुम खुश हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे शिरोज की कब से ख्वाहिश थी कि हमारे घर में वो आए। पहले तो हमने सेटअप से पहले उसके बारे में सोचा हुआ था कि हम सेटअप, फिर सेटअप बनाया तो फिर हमने घर वालों को मनाया कि हमें बुलाने दें क्योंकि हमारा शौक है। तो फिर हम दोनों की शौक की वजह से ना घर वाले मान गए, तो वो कुछ दिनों तक आ जाएगा, क्योंकि हमने एक बार इससे रब्ता किया है तो उनसे बातचीत हो रही है हमारी, तो वो कह रहे हैं कुछ दिनों तक ना आपका वो मेहमान आपके पास आ जाएगा इसी सेटअप पे। तो दोस्तों हमसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा कि इतने दिन हम किस तरह इंतज़ार करें, एक दो दिन, तो हम कह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए, इंतज़ार नहीं हो रहा बस हमारे पास। मैं तो कह रहा हूँ अभी आ जाए, अभी से हम उसे अपने पास रख लें, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस है, ख़तरनाक है हमारे लिए, लेकिन वो कुछ देर रहेगा तो इन सब जैसा हो जाएगा। जिस तरह ये अब हमारे साथ कोई डेंजरस नहीं है, ना ये ना ये ना ये ना कोई भी नहीं है बल्कि इनमें से डेंजरस, तो वो भी इनों की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि इनों के साथ ही रहेंगे तो इनों की तरह हो जाएगा। तो बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा कि हम उसका इंतज़ार किस तरह करें इतने दिनों के लिए। तो रात हो चुकी है और हमारी स्वीटी भी ना सेटअप पे आ चुकी है, ये अभी भी शोर कर, और ये देखे सही सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले गए अभी हम। बाकी हमारे इना मीना डिका शोर कर रही थी और लैला मजनू, अब हमारे सारे रैबिट्स बाहर आ चुके हैं और हमारी सारी मुर्गी अंदर चली गई। श्री अब्तर पार्क जा रहा है और मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। बाकी लैला मजनू को पिछले बंद कर दो तुम। ये देखे अभी भी ना जो मीना है ना काफी ज्यादा शोर कर रही है, क्या मेरा था मेरा डाउट सही दिया ये नार रहा है। तो हमने ना अपने सब परिंदों को बंद कर दिया, हंसी के साथ बहन भाई खेल रहे हैं। इसी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।